सब तरफ रंग है और सभी बहुत खुश हैं आज। हाँ, अलग अलग पकवान भी बन रहे हैं, जलेबी, समोसे। और लड्डू। आराम से खाओ कालिया। और हमारे लिए भी थोड़ा रखिए। फिक्र मत करो, अंदर और भी लड्डू है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए मौसी, वरना ये पूरी दुकान खा लेंगे। कालिया, शाम के लिए भी पेट में थोड़ी जगह रखना। शाम के लिए? हाँ, मैं आज बहुत सारे लड्डू बनाने वाली हूँ, जैसे कि बादाम के, मोती चूर के, बूंदी के, दूध के। लेकिन उसके लिए मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, बोलिए ना मौसी, क्या मदद चाहिए? तुम्हें घर सजाने में मदद करनी होगी और दुकान पर पहरा देना होगा। हम पहरा देंगे और हमारे होते हुए कोई भी लड्डू नहीं खाएगा। हाँ, क्योंकि सारे लड्डू यही खा जाएंगे। तो सभी वादा करो कि कोई भी शाम से पहले लड्डू नहीं खाएगा। हम वादा करते हैं कि हम सब अभी सीधा शाम को ही लड्डू खाएंगे। चलो चलो, खेल कम काम ज्यादा, जल्दी जल्दी हाथ हिलाओ। आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। इस बार तो मैंने मीठे मोदक बनाए हैं। गणेश जी को ये बहुत पसंद है। आ गई तुम चुटकी लड्डू। पर ये लड्डू तो सिर्फ गणेश जी के लिए हैं। पूरे गांव में गणेश जी के लिए इतने सारे स्वादिष्ट पकवान बन रहे हैं। हाँ बच्चों, इस बार तो गणेश जी बहुत ज्यादा खुश होंगे। हाँ, मैं ये लड्डू जल्दी से चढ़ा कर आती हूँ, फिर हम सब माँ के पास जाएंगे। कुछ न कुछ खाना पड़ेगा। वाह, क्या खुशबू है। सबसे पहले कौन सी थाली से खाऊं? नारियल बर्फी? नहीं, पूरन पोली। बाद में खाऊंगा। इतने सुंदर इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति बनाई है तुमने चुटकी। शुक्रिया जग्गू। हाँ, और सबसे प्यारी है गणेश जी की सूंड। लगता है आज तो गणेश जी से ज्यादा कालिया खाने वाला है। वो तो मैं खाऊंगा ही, इतने स्वादिष्ट पकवान बने हैं, आज के दिन पेट भर के खाना चाहिए सबको। खाना आने तो दो, मैं दिखाऊंगा कि खाते कैसे हैं। कितनी रात हो गई है माँ, अब सो जाओ। तू सो,
मेरा अभी काम बाकी है, सुबह लड्डू बनाने को मावा तैयार करना है। आ गए टंटन मौसी के लड्डू। आती हूं। अब तक तो कोई नहीं आया। इतनी आवाज करोगे तो कोई नहीं आएगा। तो तुम नन्हे चूहों ने गणेश जी के सारे क्योंकि इनका कहना है कि हर साल सारे लड्डू मैं ही खा जाता हूँ और इनके लिए कुछ भी नहीं बचता। तो ये बात है, मुझे माफ कर दो नन्हे दोस्तों, मैंने तो तुम सबके बारे में सोचा ही नहीं।